हेलो इंडियन जीरो जाए, एक ऐसी प्रॉब्लम जो हर एक इंसान फेस करता है लाइफ में, और वो है उनका फिजिकल लुक और आउटर लुक, जो वो दुनिया को पहली मीटिंग में किसी से मिलते समय दिखाते हैं। जैसे आपका फेस का कलर ब्लैक या वाइट, और जो ये इंसान देखता है आपको और जज करता है कि बिना कुछ आपके बारे में कुछ जाने या बिना कुछ सोचे आपको आपका फिजिकल लुक ही देख के वो जज कर लेता है कि भाई अगर ये काला है तो इससे बात नहीं करनी चाहिए, इससे क्या बात करें, ये तो काला है, इसके अंदर ना तो कुछ होगा और ना जाने क्या क्या। और अगर आप हैंडसम या क्यूट नहीं हैं तो कोई भी लड़की आपके सामने भी नहीं देखेगी कि क्या इसको देखे, ये तो इतने में भी ठीक ठाक ही है, ये मेरे टाइप का नहीं है, एक्सेट्रा। और ये दोनों के लिए है, लड़का या लड़की। सो इस बड़ी प्रॉब्लम का आज हल निकालते हैं, और जो भी किसी को जज करता है उनकी तो आज आप ही देख लो क्या होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द इंट्रो। आज की यूथ, लड़का हो या लड़की, जैसे जब भी कोई लड़का किसी लड़की को देखता है तो उसे एक स्टाइलिश लड़की चाहिए, जो हॉट दिखती है, जो सेक्सी है, उसे उसी प्रकार की लड़की चाहिए। और जब वो लड़का एक लड़की को ऐसे देखता है तो बस वो पागल हो जाता है कि भाई मेरे को ये लड़की चाहिए, मैं मुझे इस लड़की से प्यार हो गया, सच्चा प्यार हो गया है, ना कुछ भी उस लड़की को कुछ बारे में जाने फाने, भाई को प्यार हो जाता है। और जब कोई लड़की किसी लड़की को देखती है तो उसे एक हैंडसम दिखने वाला बॉयफ्रेंड या एक क्यूट दिखने वाला बॉयफ्रेंड चाहिए, जो उसे हर पल हंसा सके, उसके पीछे पीछे घूम सके, बस उन्हें उस पल में खुशी चाहिए। उनको ये परवाह नहीं है कि वो लड़का आगे जाके उनकी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकता है बिना कुछ उस लड़के के बारे में जाने। सिर्फ लड़कियाँ हैंडसमनेस, क्यूटनेस देख के पागल हो जाती है। और जो लड़का दिखने में इतना कोई खास नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन वो बंदा एकदम टैलेंटेड बुद्धिमान है, लेकिन सिर्फ वो लड़का दिखने में थोड़ा ठीक नहीं है तो लड़कियाँ उनको भाग भी नहीं देती, बोलती है क्या दिखने में अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली अंदर भी कुछ होगा नहीं, वो लड़का उनसे सच्चा प्यार भी करता क्यों ना हो, लेकिन लड़कियों को वो सब परवाह नहीं है। लड़कियों को सही है एक हैंडसम और क्यूटनेस उस बंदे में, जो उस बंदे में नहीं है तो वो लड़कियों को अच्छा नहीं लगता। सो ऐसे लोग जो लड़के या लड़कियों को जज करते हैं उनके लिए ये कि एक हीरो, तुम कभी पूरी लाइफ एक ऐसे इंसान के साथ नहीं बिता सकते जो सिर्फ दिखने में हॉट या हैंडसम है, या कोई लड़की जो एकदम दिखने में सेक्सी हॉट है ओनली बाहर से, और वो आपसे अंदर से बिल्कुल प्यार नहीं करते, वो जस्ट एक्टिंग आपके सामने करते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करता है या करती है, लेकिन अंदर से आपके लिए कोई भी प्यार की भावना नहीं है, जस्ट बाहर से दिखाते हैं कि भाई मैं तुमसे चाहता हूँ या मैं तुमको चाहती हूँ। सो ऐसे गोरे रंग का क्या फ़ायदा, जस्ट सेम नो यूज़ ऑफ दिस ब्लडी फेयरनेस। तो आज मैं आपको एक नॉर्मल सी स्टोरी सुनाता हूँ, लेकिन ये नॉर्मल सी स्टोरी आपके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करेगी। सो लिसन, एक दिन आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ चारों ओर हरियाली, सीनरी, माउंटेन्स, रिवर, सब कुछ, आपको बस यही लग रहा है कि भाई ऐसी जगह पूरी दुनिया में किधर भी नहीं होगी, ये इतनी खूबसूरत जगह इधर हो ही नहीं सकती, मैं इस जगह में मेरी पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ, मैं अकेला इस जगह में मेरी पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ, मेरे को और कोई नहीं चाहिए, इतनी खूबसूरत जगह थी। और आप ऐसी जगह देख के पागल ही हो गए, और आपने सोचा आज मैं सारा दिन इधर ही बिताऊँगा। फिर दूसरे दिन आप उस जगह वापस गए, आप फिर भी पागल रहे कि क्या जगह है यार, आप देखते रहे उस जगह को, फिर से आप उधर ही बैठे, लेकिन आज आपको कल जितना वो फीलिंग नहीं आ रहा था, वो फीलिंग सब उतना ही आ रहा था, लेकिन वो कल जितना वो नया फीलिंग नहीं आ रहा था, वो आपको इतना मज़ा नहीं आ रहा कल जैसा, लेकिन आज भी आप पूरा दिन उस जगह पर बैठे रहे, बस आप देखते रहे क्या जगह है क्या जगह है, आपको वो जगह बहुत अच्छी लगी, और आपने पहले ही सोच लिया था कि भाई मैं तो इस जगह पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ मेरी। फिर तीसरे दिन आप वापस उस जगह गए, लेकिन आपको अभी इतना फील नहीं आ रहा है, आप उस आपको जगह अच्छी लगती है, आपको उस जगह से प्यार है, लेकिन आज आपको इतना फील नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने पूरा सब कुछ देखा हुआ, आपको आज इतना फील नहीं आ रहा उस जगह को देख के, लेकिन फिर भी आज भी आप उधर सारा दिन आपने बिता दिया। फिर से आप फोर्थ दिन गए, लेकिन आज आपको फील आ रहा है, लेकिन उतना फील नहीं आ रहा है, वो जो पहले दिन वाला फील था वो आज नहीं आ रहा है, आपको वो जगह लगी ठीक, आप बस बैठे रहे, लेकिन आज उधर आप बैठ के उस जगह के बारे में नहीं सोच रहे थे, आज आप कुछ और ही सोच रहे कि मैं आगे जाके क्या करूँगा,
कुछ ना कुछ बस और ही सोच रहे थे अपने दिमाग में। आप आज आप उस जगह के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे थे, वो ब्यूटीफुल जगह के बारे में। फिर आप 5-6 दिन ऐसे आते रहे उस जगह पे। फिर 7th दिन आप उधर फिर गए। आज आपको वो जगह इतनी कोई खास लगी नहीं, आपको बस वो जगह एकदम कुछ लगी नहीं कि भाई क्या है, मैं बस ऐसे ही एक आपको नॉर्मल सी जगह लगी। आपको वो ब्यूटीफुलनेस, वो सीनरी, वो फीनरी, वो आज पता नहीं किधर चले गए। तो आप बोल रहे थे कि मैं पूरी ज़िंदगी इधर बिता सकता हूँ, वो आज आपको फील आ रहा है नहीं उस जगह पे। बस आपको उधर आज बोर लग रहा है कि क्या ऐसा, मैं डेली इधर आ रहा हूँ, वो सब कुछ सेम ही तो है दिखने में, नहीं तो कुछ चेंजेस है इसके अंदर। बस आप उधर बैठे रहे, लेकिन आपको एक घुटन महसूस हो रही है कि भाई मैं इधर से कब जाऊँ। आज आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा है उस जगह के बारे में। अभी आपको उस ब्यूटीफुल जगह पर खड़े होने का मन ही नहीं हो रहा है, आपको बैठने के का क्या, कुछ भी मन ही नहीं कर रहा है उधर। बस आपको उधर निकलने की इच्छा कि भाई मैं कभी इधर से निकलूँ, आपको कोई भी फील नहीं आ रहा है। बस आपको यही सोच रहा है कि भाई इस जगह से निकलूँ और मैं जैसे था वैसे वापस जाऊँ, जो मेरा पास्ट का लाइफ है उसमें वापस चला जाऊँ। आपको उस जगह से जाना ही नहीं था, तो आपको उस जगह से जाना था, बस यही आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है। ये है हमारी रियल लाइफ जब हम डिसीजन लेते हैं। अभी आप ही बोलो कि एक सुंदर लड़का या लड़की जो सिर्फ दिखने में अच्छा है, आउटर लुक में, जब आप उनके साथ एक मंथ या एक ईयर उनके साथ स्पेंड करोगे, तब आपको उनकी सुंदरता नहीं दिखेगी। तब एक मंथ या एक ईयर के बाद आपको उनकी सुंदरता नहीं दिखेगी, आपको वो ब्यूटी, वो क्यूटनेस, हैंडसमनेस, नहीं तो लड़के या लड़की लड़की में नहीं दिखेगी। उस समय आपको सिर्फ उसके अंदर एक ही चीज़ दिखेगी, वो उनका कैरेक्टर, उनका बोलने का स्टाइल, उनके सोचने का स्टाइल, वही आप जो आपको उनको अच्छा नहीं लगेगा। तब आप ये सोचोगे कि काश मैं उस लड़की से प्यार करता जो दिखने में भले ही ठीक ठाक ना, लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, वो दिल की बहुत अच्छी थी, वो दिल की बहुत साफ थी। ऐसा लड़के के भी साथ होता है, जब लड़की ऐसे ही जब कोई लड़की लड़के से प्यार करती है और उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करेगी, तब उसे भी रिग्रेट होगा कि काश मैं उस लड़के से प्यार करती जो दिखने में भले ही ठीक ठाक था लेकिन दिल का बहुत अच्छा था, दिल का बहुत साफ था, लेकिन फिर उसका कोई यूज़ नहीं है। तो अभी आप भी बोलो कि अगर जो इंसान सुंदर या अच्छी है दिखने में, या अच्छा है दिखने में, आउटर लुक से हैंडसम है, क्यूटनेस है, उसका भाई रियल लाइफ से कोई फ़ायदा नहीं है। और जो भी इंसान किसी को आउटर लुक से ही प्यार करता है या उनको अच्छा लगता है, तो उसका कोई यूज़ नहीं, वो लास्ट में जाके भी पछताएंगे। तो नेवर जज अ ब्यूटी इन योर लाइफ बिकॉज यू कैन नॉट लिव विथ हिम और हर जस्ट बाई सीइंग देयर फेस। योर एटीट्यूड इज एवरीथिंग, सो गो एंड मेक योर सेल्फ ए गुड पर्सन विथ ए ग्रेट एटीट्यूड। सो इंडियन सीरीज आपको समझ में आ ही गया होगा कि ब्यूटी एक इंसान के बारे में सब कुछ नहीं बता सकती, हिज एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। और जो इंसान एटीट्यूड से प्यार करता है या उसके कैरेक्टर से प्यार करता है, वो लाइफ में कभी धोखा नहीं खाएगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा या कुछ काम का लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं तो डिसलाइक करके आप ही खुश हो जाइए यार, आपकी खुशी में हमारी खुशी है, एक लाइक या डिसलाइक से हमारा कुछ नहीं होने वाला। सो दैट्स इट, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद, जय जवान।